हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम मेड फूड बाय रश्मि चैनल में। तो मैं आज लेकर के आई हूँ आपके लिए लौकी की एक नई रेसिपी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रखा है एक कुकर, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और गैस की फ्लेम को किया है लो। और इसमें एक लौकी को मैंने छील के अच्छे से धुल के इस तरह से काट के इसमें डाल दिया है। एक सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की भुजिया। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। और ये देखिए लौकी हमारी पक गई है। एक सीटी लगाई मैंने स्लो गैस पे और ये मैं इसको ऐसी तरह से छन्नी में डाल के छान ले रही हूँ, जिसका पानी मैंने निकाल दिया है। और पानी आप इसका फेंकिएगा मत, इसमें आप आटा गूंद सकते हैं रोटी का पराठे का, तो बहुत फ़ायदा करता है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाला है कढ़ाई में घी और फ्लेम को रखा है लो। इसमें डाला है मैंने 1/2 चम्मच जीरा और 1 बारीक कटी हुई मिर्च, हरी मिर्ची, और 2 से 3 कली मैंने लहसुन की डाली है। 1 छोटा सा मैंने प्याज बारीक चॉप करके डाल दिया है। इसको गुलाबी होने तक हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। फिर हम डालेंगे अपने थोड़े से सूखे मसाले, जिसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर डाली है और 1/2 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, क्योंकि हरी मिर्च डाली है यहाँ पे मैंने तो तीखा ज़्यादा हो जाएगा। और अब मैंने लौकी को डाल दिया, थोड़ा सा डाला है मैंने नमक, और नमक और मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिए। और अब फ्लेम को कर दिया है मैंने मीडियम, और बस इसको ऐसे मसलते हुए हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि लौकी तो हमारी पकी हुई है तो इसको पकाना तो है नहीं, लेकिन हमको उस भुजिया को इसको अच्छे से फ्राई करना है मसालों के साथ। तो ऐसे मसलते हुए हम इसको बढ़िया से कर लेंगे फ्राई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी अमचूर पाउडर। तो आप चाहें तो जब प्याज को हम पका रहे थे उस टाइम पर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं बारीक काट के। और बस हमारी भुजिया बनके तैयार है। धनिया डाल दिया है मैंने, हरा धनिया, और ये बच्चों को आप दीजिए, जो बच्चे नहीं खाते वो भी बड़े टेस्ट से खाएंगे। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।